भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर जशपुर जिले में माटी के वीर पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया समेत प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय, जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी, मंत्री रामविचार नेताम समेत कई मंत्रियों ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर IBC 24 से केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और मंत्री रामविचार नेताम ने खास बातचीत की है, सुने आप। माय भारत के वॉलेंटियर के द्वारा इस पदयात्रा का आयोजन करा गया है। इस पदयात्रा का उद्देश्य युवाओं के द्वारा राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करना है। युवा अपने कैरियर को बनाए, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करे, इस उद्देश्य के साथ युवाओं ने ये पदयात्रा आयोजित करी। नेताम साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, काफी लंबी यात्रा आप कर रहे हैं, किस तरह का गौरव का दिन है ये? आइए देखिए, यात्रा कोई भी महापुरुष ने यात्रा के माध्यम से जो संदेश दिया है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम करने का जो निर्देश प्राप्त हुआ है और बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय हुआ है, इससे पूरा समाज जो है आदिवासी समाज गौरवान्वित हुआ है। जहाँ जहाँ भी हमारे महापुरुष है उनको आज हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये जो निर्णय करके गौरव दिवस मनाने के निर्णय किया है, इससे निश्चित ही हमारे समाज जो है जागृत हुआ है, सम्मानित महसूस कर रहा है और गौरवान्वित हुआ है। जय हिंद। ये थे मंत्री रामविचार नेताम जी, जिन्होंने साफ कहा कि जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए ये जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से आदिवासी वर्ग को स्थान दिया जा रहा है और इस तरह के आयोजन करके उन्हें सम्मान देने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, जशपुर।